तो दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बाइक की क्या हालत हो गई है। गाइज मेरा 5 अप्रैल को एक बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी बाइक की काफ़ी बुरी हालत हो गई और गाइज मैं बच गया था, ऑलमोस्ट मेरा पैर भी फ्रैक्चर होने से बच गया था। तो गाइज वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कैसे क्या हुआ था और बाइक में कितना कॉस्ट लगेगा अब और क्या बाइक की हालत हो गई थी। तो गाइज बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज मानता हूँ काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो इस चैनल को अब दोबारा आप अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो गाइज बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे आपके वीडियो में दिख रहा होगा कि पूरी हेडलाइट टूट चुकी है मेरी यहाँ पर और मरगाड भी हम पूरा मुड़ चुका था और गाइज साइड में आपको सोकर दिख रहे हैं वो जाम हो चुके हैं और इसकी जो रियर बॉडी आगे की वो भी टूट चुका है और ये जो क्लच लीवर है ये भी टूट चुका है, इसका साइड मिरर भी ये भी जा चुका है पूरा ऑलमोस्ट और गाइज जो हैंडल है पूरा बैंड हो चुका है साइड से और ये बॉडी भी आपको दिख रही होगी यहाँ से ये पूरी डैमेज हो चुकी है और गाइज जो फुट रैप भी होता है आपको दिख रहा होगा स्क्रैच का रखा है काफ़ी ज़्यादा और इसका जो पीछे का जो हैंडल होता है वो भी टूट चुका है और गाइज पीछे का साइड इंडिकेटर टूट चुका है। गाइज काफ़ी नुकसान हुआ बाइक में और बॉडी में भी काफ़ी डेंट आ चुका है, मुड़ चुका है गाइज और आगे का पहिया जो है गाइज इसमें टेढ़ा हो चुका है और ये गियर शिफ्टर दिख रहा होगा आपका गाइज ये भी टूट चुका है ऑलमोस्ट। तो गाइज बाइक जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद चल तो रही थी बट गाइज बहुत बुरी कंडीशन थी ये और यहाँ पे साइड में साइलेंसर की जो प्लेट दिख रही होगी गाइज इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डेंट आ गए हैं और काफ़ी स्क्रैच आ चुके हैं। तो गाइज और इसके बाद गाइज बाइक में बहुत सारी दिक्कत आई हैं जो आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सीडेंट कैसे कैसे क्या हुआ था। तो गाइज ये बात तो है 5 अप्रैल की सुबह 9:30 बजे जब अपने कॉलेज के लिए जा रहा था तो गाइज वहाँ पर जैसे मेरे यहाँ पे घर के पास एक रास्ता है जो नया द्वारका एक्सप्रेस बना होगा आपने देखा होगा सर, तो गाइज उसी रास्ते से अपने कॉलेज जा रहा था वहाँ पर। तो गाइज रास्ते में जब वापस जाते टाइम एक रॉन्ग वे से एक ऑटो जो लोडिंग ट्रक होते हैं आपको स्क्रीन दिख रहा होगा ऐसा ट्रक रॉन्ग वे से एकदम क्रॉस करते हुए जबकि मैं ग्रीन लाइट क्रॉस कर रहा था। गाइज हुआ क्या कि जो बाकी गाड़ियां थी वहाँ पर वो रुकी हुई थी लेकिन गाइज मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा था रेड लाइट हो रखी थी बट जैसे पहुँचा वहाँ पर ग्रीन लाइट होगी तो मैंने अपनी स्पीड कम नहीं करी थी, बाकी गाड़ियों की स्पीड कम थी तो वो बच गए। तो जैसे मैं क्रॉस कर रहा वो एकदम से बीच में आया और उन्होंने कोलाइड हुआ, वो जैसे एक्सीडेंट हुआ मैं बुरी तरह गिर गया था, मेरा हेलमेट था वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर भी। गाइज उसके बाद जैसे मैं गिरा वहाँ पर तो वो तो ऑटो वाला तो जो लोडिंग ट्रक था वो वहाँ से निकल चुका था, उसका कोई नंबर नहीं पता चला था। इवन गाइज वहाँ रेड लाइट के बीचों बीच में गिरा हुआ था, वहाँ पर कोई उठाने तक नहीं आया था वहाँ पर। उसके बाद गाइज जब वो ऑटो भाग गया वहाँ पर पीछे से 2-3 बंदे आए जिन्होंने बोला कि भाई बाइक को साइड कर लो क्योंकि वो उठा था मैं खुद ही था तो बाइक को उन्होंने उठा के साइड करा बाद में, तो बाद में बाइक को साइड में खड़ा वहाँ पर पुलिस चौकी थी वहाँ पर जाने सोचा मैंने बट मैं गाइज मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि गाड़ी का नंबर हो या कुछ हो तो उसका फ़ायदा भी नहीं होना था मेरे पास। तो गाइज जैसे तैसे करके वहाँ से मैं उठा बाइक को, मैंने देखा कि बाइक की हालत कैसी है आपको गाइज फोटो में दिख रहा है वो बाइक की बहुत बुरी हालत हो गई थी, हेडलाइट पूरी जा चुकी थी, लटक रही थी पूरी बुरी तरह। उसके बाद गाइज मैंने पापा को कॉल करके पापा ऐसा ऐसा सीन हो गया, तो पापा ने बोला कि टो करवा लो बाइक को बट अनफॉर्चुनेट अच्छी कंडीशन थी कि बाइक ने खुद टूट गई लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ था ऑलमोस्ट, मेरा पैर में थोड़ी बहुत चोट लगी हाथ में लगी बट ऑलमोस्ट मैं ठीक हो गया था। तो इसलिए गाइज वीडियो भी 5 अप्रैल को जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि गाइज मेरे को टाइम लगा रिकवर होने में और बाइक को इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करने में। गाइज बात अब यहाँ पे आती है कि मेरे को जब एक्सीडेंट हुआ तो जो बंदे ने एक्सीडेंट करा मेरे को ठोक के गया कम से कम इतनी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, उस बंदे को रुकना चाहिए था और पूछना चाहिए था भाई क्या हुआ तेरे लगी थी नहीं, वो गाइज ऐसा लगा कि उसने जानबूझ के ठोक के गया और बंदे ने स्पीड कम करने की वजह से स्पीड बढ़ा के भाग गया। और गाइज इसमें अगर मैं पुलिस कंप्लेंट भी करता हूँ तो मुझे क्लेम मिलने के चांसेस काफ़ी कम है बिकॉज गाइज अगर मैंने कंप्लेंट करी तो उसका नंबर भी नहीं मेरे पास, प्लस में गाइज जो मेरा इंश्योरेंस है मेरे को इंश्योरेंस क्लेम तो दे देगा पर वो फुल स्टोरी मांगेगा कि भाई कौन बंदा था, थर्ड पार्टी क्लेम मैं नहीं कर सकता इसलिए। तो गाइज काफ़ी दिक्कत है, अब मैंने जो इंश्योरेंस कंपनी के पास ले गया उन्होंने बोला कि आराम से भाई इसमें 1 महीना टाइम लगेगा क्योंकि हम जानते हैं टीवीएस जो कंपनी है उसके जो पार्ट्स है काफ़ी महंगे आते हैं और यहाँ पर आपको लिस्ट शो रही होगी इन्होंने ये पार्ट्स बताए थे सारे, अगर मैं ऐसे अपने पैसों ठीक कराता तो गाइज आराम से इसमें 30,000 की कॉस्ट लगेगी और आपको स्क्रीन में जो शो रही होगी ये एक्चुअल कॉस्ट बताई थी इन भाई ने कि ये सब पार्ट चेंज होंगे इसमें और वो जेन्युइन पार्ट्स होंगे जो चेंज होंगे। अब गाइज उसके बाद बात आती है कि इंश्योरेंस में उन्होंने बोला कि 1 महीने आराम से मान के चलो, तो गाइज इसमें गलती मेरी नहीं थी, जैसा आप भाई कई भाई बोलते कि भाई मैं रैश राइडिंग करता हूँ, भाई रैश राइडिंग करता हूँ लेकिन गाइज इतना भी नहीं कि लाइक अगर मेरी गलती होती तो गाइज मेरे को चोट लगती बाइक ही नहीं टूटती। तो गाइज और यहाँ पर अगर गलती भी होती है ना मेरी अगर सामने वाली की होती तो वो रुकता अगर मेरी गलती नहीं होती तो, कि भाई मेरे से वो क्लेम मांगता है कि उस गाड़ी का नुकसान हो, उसकी गाड़ी का नुकसान हो बट वो भाग गया, इसका मतलब सिंपल है कि उसकी गलती थी यहाँ पर। तो गाइज कई कमेंट करते हैं कि भाई तू ऐसे राइड करता है, मैं भाई मैं राइड प्रॉपर तरीके से करता हूँ, हेलमेट नहीं होता तो मेरा सर टूटा हुआ होता बट आई एम सेफ। तो गाइज यही थे स्टोरी वीडियो में बताने वाला था आपको कि अब आगे की प्रोसेस पूरी बताऊंगा कि इंश्योरेंस में कितना कॉस्ट लगा, कैसे बाइक ठीक हुई और बाइक ठीक होने के बाद कैसी दिख रही है आपको। तब तक गाइज वीडियो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।